देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक फंक्शन जा रहा है आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल में। बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x+7, और एफ एक्स को क्या डिफाइन किया हुआ है 10x+7 में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर सच दैट गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर। यानी कि हमें एक दूसरा फंक्शन निकालना है जो कि क्या होगा, जी है, नाम दिया है, और वो भी क्या जा रहा है आर से आर में जा रहा है, ठीक है। और उसने एक कंडीशन दे दी है कि वो ये कंडीशन प्रूव करेगा, वो क्या है, गॉफ इज इक्वल्स टू फॉग इज इक्वल्स टू आई आर वाली। अब हमें पता है गॉफ इज इक्वल्स टू फॉग इज इक्वल्स टू आई आर वाली कंडीशन किस में लग रही थी, जब हमें इन्वर्टिबल दिखाना हो रहा था, ठीक है। तो यानी हो ना हो ये क्या होगा, एक इन्वर्स होगा शायद किसका, एफ एक्स का। ये हमें गिवन नहीं है, बट हमें कंडीशन क्या प्रूव करनी है कि ये जो जो भी फंक्शन आएगा जी, वो ये कंडीशन दिखाएगा, गॉफ इज इक्वल्स टू फॉग इज इक्वल्स टू आई आर। अब आई आर क्या होता है, ये होता है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन यानी इसमें जी गॉफ वाले फंक्शन में जो भी वैल्यू डालेगा हमें वही वैल्यू वापस मिलेगी। जैसे होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसमें 1 डालेंगे 1 मिलेगा, 2 डालेंगे 2 मिलेगा, 3 डालेंगे 3 मिलेगा। तो वैसे ही क्या है, गॉफ और फॉग फंक्शन भी है। गॉफ में क्या डालते थे, एक्स करते थे, और फॉग के लिए क्या करते थे, वाई डालते थे। तो हमें क्या दिखाना है, ये वाली कंडीशन दिखानी है जो भी जी फंक्शन आए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें जी फंक्शन निकालना पड़ेगा। पहले जी फंक्शन कैसे निकाला जाता था, अभी हमें क्या दिया हुआ है, वाई क्या दिया हुआ है, एक्स के टर्म में दिया हुआ है। इसको मैं वाई कर सकता हूँ, वाई इज इक्वल्स टू 10x+7। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स की वैल्यू डालते हैं और हमें करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, वाई वैल्यू मिलती रहती है। तो अभी क्या है, वाई एक्स के टर्म में। जी निकालने के लिए क्या करते थे, एक्स को वाई के टर्म में लिख देते थे। तो यहाँ पे मैं जी निकालने के लिए क्या करूँगा, सिंस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 10x+7 है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10x, यानी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई माइनस 7 अपॉन 10 हो गया। तो यानी मैंने क्या किया, एक्स को क्या कर दिया, वाई के टर्म में कर दिया। तो ये फंक्शन क्या था, एफ एक्स का था। जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं एफ एक्स कर रहा था। तो मैं इसको क्या मान लूँ, लेट जी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7 अपॉन 10। तो मैं ये फंक्शन क्या मान रहा हूँ, अब जी वाई मान रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालते थे, जी फंक्शन निकालते थे। अब ये फंक्शन ये वाली कंडीशन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ये चेक करना पड़ेगा, यानी कि गॉफ और फॉग क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए करने के लिए क्या चाहिए, हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक जी फंक्शन चाहिए होता, मिल गया, एक एफ फंक्शन चाहिए होता, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, पहले हम गॉफ निकालेंगे। गॉफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी फंक्शन में हमने क्या डाला, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है। गॉफ किसके लिए करते थे, एक्स के लिए करते थे, ठीक है। जी फंक्शन में हमने एफ एक्स डाला, तो जी फंक्शन में हम यू डालेंगे तो यू माइनस 7/10 हो जाएगा। जी में हम एफ एक्स डालेंगे तो एफ एक्स माइनस 7/10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस 7 पूरा अपॉन 10। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 10x+7 दी हुई है। तो हम एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, 10x+7-7 पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एक्स मिलेगी। तो यानी कि गॉफ क्या आ गया, एक्स के बराबर आ गया। तो गॉफ तो शो कर रहा है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, फॉग के लिए चेक करेंगे। फॉग किसके लिए करते थे, वाई के लिए, ठीक है। यानी वाई डालेंगे तो वाई मिलना चाहिए। तो एफ ऑफ जी वाई करेंगे, इसका मतलब क्या है, एफ फंक्शन में हमने क्या रखना है, जी वाई रखना है। तो एफ फंक्शन ये रहा, इसमें हम जी वाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ फंक्शन में हम जी वाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स एफ में हमने यू रखा तो 10u+7, एफ में हमने जी वाई रखा तो 10gy+7, ठीक है। तो एफ में जी वाई रखेंगे तो कितना होगा, 10gy+7 हो गया। अब जी वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 7/10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 × y − 7/10+7। 10 से 10 कैंसिल, y − 7+7, 7 से 7 कैंसिल, और ये भी कितना आ गया, y। यानी ये भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि ये चीज़ प्रूफ हो गई किसके लिए, g फंक्शन के लिए।
तो हमारी जी की वैल्यू आ गई कितनी, जी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7/10। और यही क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स के लिए पूछा नहीं था, बस हमें क्या करा था, ये कंडीशन हमने इसमें सेटिस्फाई करवानी थी जो हमने करवा दी। तो वो जी फंक्शन क्या होगा, वाई माइनस 7/10। लास्ट में लिख देंगे हैंस जी आर टू आर इज जी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7/10। ठीक है, नोट करो। अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं। देखो फंक्शन क्या जा रहा है, डब्ल्यू से डब्ल्यू जा रहा है, पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन में। अभी डब्ल्यू टू डब्ल्यू है क्या, लास्ट में दिया है क्या है, डब्ल्यू इज़ द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर। बी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इफ़ एन इज ऑड एंड एफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन इफ़ एन इज इवन। ध्यान से देखना, इस फंक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, दो फंक्शंस दिए हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू या डेफिनेशन कहें दो बार दी गई है। ठीक है, यानी अलग अलग है। तो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, एफ एक्स के टर्म में बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, जनरली एफ एन में दिया हुआ है तो मैं एन ना लिख के एक्स ही कर देता हूँ, यानी एफ एक्स के टर्म में ही करता हूँ, उससे समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते आ रहे हैं, गॉफ एक्स, फॉग एक्स, वाई, वो सब करते आ रहे हैं, तो अगर अभी एन से करने लग जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको एन ना लेके एक्स करता हूँ, एक्स से अच्छे से समझ में आ गया तो बाद में क्या करना, एन में चेंज कर देना। ठीक है, तो फंक्शन की इसमें क्या दी हुई है, दो डेफिनेशन दी हुई है, तो मैं एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहली तो क्या कह रहा है कि एक्स माइनस वन हो जाएगा व्हेन एन इज ऑड, जब एन को एक्स मान लिया तो व्हेन एक्स इज ऑड। ठीक है, एक तो ये हो गया, और जब x इवन हो जाएगा तब क्या कह रहा है, n प्लस वन हो जाएगा, यानी x प्लस वन इफ़ x इज इवन। यानी फंक्शन की हमें क्या दे दी है, दो डेफिनेशन दे दी है। फंक्शन जा रहा है w से w, पहली चीज़ तो हमें दिखानी है शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करा जाता है, y को x को y के टर्म में करते हैं, फिर गॉफ x इज इक्वल्स टू x दिखाते हैं, फॉग y इज इक्वल्स टू y दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अरे रुक जाओ एक सेकेंड, इन्वर्टिबल शो करना है ना, तो पहले फंक्शन को वन वन और ऑन टू करना पड़ेगा। ठीक है, एक कंडीशन और क्या होती है, एफ एक्स को क्या करते हैं, एफ एक्स क्या होना चाहिए, जो भी फंक्शन हमें दिया है वो वन वन और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो इसे प्रूफ करेंगे हम, वन वन भी और ऑन टू भी, जो पहले किया फंक्शन वाले में। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, काम टू प्रूफ, वन वन प्रूफ करना है हमें। वन वन करने के लिए क्या करते थे, वही सेम चीज़ हम क्या मानेंगे, एक्स वन एक्स टू दो अलग टर्म मानेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू रखेंगे, और लास्ट में क्या आना चाहिए, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहला मैं लिखता हूँ क्या, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए ना। ठीक है, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू के बराबर। ठीक है, ये एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू मुझे क्या देगा, अगर एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू दे देगा तो यानी क्या होगा, वन वन होगा फंक्शन। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखो मैं एफ एक्स वन किस में रखूँगा ये बताओ, एफ एक्स वन यहाँ पे तो फंक्शन की दो डेफिनेशन दे दी ना इसने, किस में रखनी हुई हमने, और फिर एफ एक्स टू भी किस में रखूँगा, पॉजिटिव वाले में। क्यों नहीं पॉजिटिव में, क्यों, देखो एक ऑड दिया है एक इवन दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो इवन रखना है या ऑड रखना है, मतलब किस में रखूँ, कुछ आइडिया मिल रहा है, नहीं आ रहा ना, फंस गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन फंस गया ना, मतलब अब कौन सा फंक्शन लेना है ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चली हमें, जब भी फंक्शन की दो डेफिनेशन दी होंगी, दो डेफिनेशन है अलग अलग, तब हमारे पास केसेस बनेंगे। केसेस क्या बनेंगे, देखो अगर मैं x1 और x2 को इवन लेता हूँ, इवन बोथ, अगर ये कंडीशन डाल दूँ मैंने, यानी मैंने x1 और x2 जो भी नंबर लिए हैं वो क्या हैं, इवन है, तो इवन के लिए कौन सा फंक्शन उठाना है, x प्लस वन वाला, तो ये कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही तीन कंडीशंस बनेंगी, पहली तो बन गई क्या, इवन और इवन वाली, दोनों क्या होंगे, इवन इवन ले लिए मैंने, फिर एक कंडीशन बनेगी दोनों ऑड वाली, ऑड ऑड, और एक कंडीशन क्या बनेगी, एक इवन एक ऑड।
चौथी भी होती है, क्या होती है, उल्टा इसका, ऑड इवन, वो बात एक ही है, इवन ऑड लूँ या ऑड इवन। तो कुल मिला के कितनी कंडीशन बनेगी, तीन कंडीशन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी फंक्शन की दो डेफिनेशन दी हो तो क्या होगा, केसेस बनेंगे हमारे पास, बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, दोनों क्या कर दिए, इवन कर दिए। अब इवन के लिए मुझे कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला लेना है, एक्स क्या है, इवन लेना है। तो एफ एक्स वन इजिकल्स टू एफ एक्स टू की वैल्यू किस में डालूंगा, इस फंक्शन में डालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वन प्लस वन वन ही होगा, और ये कितना होगा, एक्स टू प्लस वन, वन से वन कैंसिल, एक्स वन इजिकल्स टू एक्स टू आ गया, ठीक है। यानी इवन के लिए तो वन वन होगा। अब हमें बाकी दो कंडीशंस भी चेक करनी है, ऑड आउट के लिए भी और इवन आउट के। तो फटाफट से सेकंड कंडीशन लेते हैं, क्या होगी, लेट अगेन एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू डब्लू, इस बार क्या लेते हैं, बोथ ऑड ले लेते हैं, बोथ ऑड ले लिए। अब ऑड फंक्शन के लिए हमें पता है कौन सी फंक्शन होगा, एक्स माइनस वन वाले का। तो एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, इसमें भी वही रखेंगे, इसमें बट क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस वन, माइनस वन इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी इसने भी क्या दे दिया हमें, इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, यानी ऑड के लिए भी क्या आ रहा है, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू ही दे रहा है, ठीक है। इवन के लिए भी दे दिया, ऑड के लिए भी दे दिया। अब सेकंड लास्ट कंडीशन क्या है, थर्ड वाली, जिसमें मैं पहला जो लूँगा वो इवन ले लूँगा, सेकेंड वाला ऑड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट एक्स वन इज इवन एंड एक्स टू इज ऑड हो गए, और दोनों किसको बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू डब्लू, होल नंबर्स को बिलोंग करें। इसमें भी सेम चीज, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू करेंगे। अब एफ एक्स वन एफ एक्स टू, एक्स वन क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन है, तो वैल्यू किस में जाएगी, जहाँ पे इवन के लिए है, ठीक है। तो यानी कितना आएगा, एक्स वन प्लस वन इज इक्वल्स टू, और एफ एक्स टू क्या है, एक्स टू क्या लिया मैंने, ऑड माना है, तो कौन सा फंक्शन, एक्स माइनस वन वाला, तो एक्स टू माइनस वन आ गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्स वन माइनस एक्स टू इधर भेजा मैंने, इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये भी उधर जाएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा साइन चेंज कर देता हूँ इसके, तो एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू कितना आया, टू आया हमारे पास, आया एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू टू, बट आना क्या चाहिए था, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। और ये कंडीशन क्या कह रही है हमसे, एक्स टू क्या है, देखो ऑड नंबर है, अब मैं कोई भी ऑड नंबर रख देता हूँ यहाँ पे, फाइव रख दिया, और एक्स वन क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। तो ये इसके कहने का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर इज एन इवन नंबर कह रहा है। इवन क्या है, टू इवन है ना, तो ये कह रहा है दोनों के डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन नंबर आएगा कह रहा है, ठीक है। बट ऐसा होता है क्या, अगर मैंने फाइव और फोर लिया, ये इवन है ये ऑड है, फाइव माइनस फोर करूँगा मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा, सेवन माइनस सिक्स करूँगा मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो जो रियल में जो नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इवन नहीं दिखाते हैं डिफरेंस ऑड और इवन का, बट ये कंडीशन क्या कह रही है हमसे, एक्स टू माइनस एक्स वन इजिकल्स टू टू होगा, जो कि गलत है। तो हम ये क्या कहेंगे, दिस कंडीशन इज रूल्ड आउट कह देंगे, ठीक है, ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो हमारे पास जब इवन थे, और सेम चीज़ किसके लिए हो जाएगी, दूसरा जो फंक्शन होगा, अगर मैं ऑड और इवन भी लेता हूँ उसके लिए भी सेम आएगी, ठीक है, उसको दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है, इवन ऑड दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूल्ड आउट हो जाएगा, हमारे पास बस क्या बचे, ये दोनों बचे। तो ये कंडीशन क्या दिखा रही थी, वन वन दिखा रही थी, हम लास्ट में लिख देंगे, हैंस एफ एक्स इज वन वन, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। हमें बस प्रूव नहीं करने के लिए एक कंडीशन भी काफ़ी होती है, तो इसमें जैसे नीचे वाली कंडीशन, देखो वो होती है, बट अगर वो सेटिस्फाई करी हमारी रियल कंडीशंस को ना, ये रियल कंडीशंस को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ऑड और इवन के बीच का डिफरेंस हमेशा रियल वो आना चाहिए कह रहा है, इवन नंबर आना चाहिए कह रहा है। तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या, नहीं होता है ना, तो इसी वजह से ये रूल्ड आउट कर दिया, यानी ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। अगर सपोज दैट ये यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन इजिकल्स टू वन कह देता ना, वन आता, सपोज दैट मानते कि, तो कंडीशन क्या कर रहा है उस टाइम पे, सेटिस्फाई कर रहा होता ना कि फाइव माइनस फोर वन आ रहा है, सेवन माइनस सिक्स भी वन आ रहा है। तो उस टाइम पे हम क्या कह सकते थे कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, इवन और ऑड के लिए हमें क्या कर रहा है, वैल्यूज़ नहीं दे पा रहा, यानी वन वन नहीं हो पा रहा। उस टाइम पे हम कहते कि ये फंक्शन वन वन नहीं, चेक भी कर सकते हो, लो ये बनाया मैंने, क्या लेने, होल नंबर्स लेने,
ज़ीरो वन टू थ्री फोर लिए मैंने, यहाँ पे भी ज़ीरो वन टू थ्री फोर। ज़ीरो क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर के लिए हमें कहाँ देखना है? इसमें देखना है। तो फंक्शन क्या होगा? ज़ीरो प्लस वन यानी वन, यानी ज़ीरो की इमेज कैसे जाएगी? वन में जाएगी, ठीक है। अब मैं वन लेता हूँ, वन क्या है? ऑड है, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो वन की वैल्यू कहाँ जाएगी? ज़ीरो, यानी वन की इमेज कहाँ मिलेगी? ज़ीरो में। टू अगेन इवन नंबर, तो टू प्लस वन कितना? थ्री। थ्री अगेन ऑड नंबर, तो थ्री माइनस वन कितना? टू। ऐसे ही करके सबके क्रॉस बनेंगे और वन 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 बन रहे, नहीं बन रहे वन वन, तो यहीं पे कंडीशन क्या हो गई? ट्रू आ रही है हमारे। तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो जाएगा। तो इन दो को हम देख के क्या कह सकते हैं? ज़रूरी नहीं, अब इतने में अगर समझ ना आ रहा हो, इसके बाद क्या कर सकते हो? ये ग्राफ भी बना सकते हो, फिगर बना कर, ठीक है, खुद के समय। इससे क्लियर हुआ ना? ठीक है। तो हमें क्या दिखाना था? इन्वर्टिबल दिखाना था। अभी हमारी एक और कंडीशन क्या बची हुई है? ऑन टू दिखाने की, ठीक है। वन वन तो हो गया, अब हम क्या दिखाएंगे? ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू क्या होता है? इधर जो भी सेट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब ये फंक्शन देखो, फंक्शन क्या देखो, ये फिगर देखो, इसमें सबकी इमेज बन रही है। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स आएंगे नीचे लेते जाओ, सबकी इमेज बनेगी बनेगी, हमें तो पता चल गया बन रही है। अब वहाँ कैसे लिखेंगे, वो चीज़ है ना। तो पेपर में या कहीं भी टेस्ट वगैरह में क्या कर सकते हो? सिंपल सा ये डायग्राम यहाँ पे फिगर बना सकते हो, इसमें ऑन्टो के लिए जो यहाँ पे मैंने बना दिया। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसको यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद क्या लिखोगे? स्टेटमेंट क्या बनेगी? फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू डब्लू इन कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन पता है ना, ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू डब्लू, यानी यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी वाई होंगे कोडोमेन में, उनकी कोई ना कोई प्री इमेज बनेगी वहाँ उस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू डब्लू इन कोडोमेन देयर इज लिखेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखें क्योंकि बन रही है, ठीक है। हमने क्या कर दिया? फिगर में दिखा दिया। देयर इज एन प्री इमेज, देयर इज अ प्री इमेज इन डब्लू, जो कि क्या है? हमारा डोमेन है, ठीक है। यानी कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में बन रही है, और वो डोमेन क्या है? डब्लू ही है, ठीक है, प्री इमेज बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो फिगर है ऑन टू के लिए दिखा सकते हो, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू भी हो जाएगा। सिंस फंक्शन इज एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू, सो इट इज इन्वर्टिबल। तो हमारी क्या कंडीशन आ गई? कंडीशन क्या आ गई, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया? वन वन भी दिखा दिया और ऑन टू भी दिखा दिया, तो एफ एक्स क्या हो गया? इन्वर्टिबल होगा। देन लास्ट में क्या लिख दिया? एफ एक्स इज सो एंड ऑन टू, सो इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है। अब इन्वर्टेबल तो हमने शो कर दिया, इसके बाद क्या निकालना है हमने? फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। एक लास्ट चीज़ हमें निकालनी है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए अगेन हमें क्या क्या करना पड़ता है? इन्वर्स निकालने के लिए अरे हमारे पास एफ एक्स दिया रहता था, और वाई इज इक्वल्स टू क्या होता था? एक्स के टर्म में होता था। जैसे सपोज दैट फॉग और गॉफ को करते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, अप्लाई करनी है, ठीक है। अब वो कैसे होगी? मैं क्या कहता हूँ? लेट जी वाई बी अ फंक्शन आर टू, नहीं सॉरी डब्लू टू डब्लू जा रहा है ना, तो ये इन्वर्स होगा। अगर ये इन्वर्स होगा, लेट जी वाई बी अ फंक्शन डब्लू टू डब्लू विच इज, अभी है नहीं यहाँ इन्वर्स, अभी निकलेंगे, विच इज इन्वर्स ऑफ किसका? एफ एक्स का, ठीक है। इन्वर्स अभी है नहीं, हमें निकालेंगे, अभी चेक करेंगे किससे? गॉफ को एक्स दिखा के, फॉक वाई को वाई दिखा के, ठीक है। तो पहले, उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? जी वाई निकालना पड़ेगा। जी वाई कैसे निकालते थे?
वाई क्या होता था एक्स के टर्म में, जी वाई क्या आता था एक्स को वाई के टर्म में कर देना होता था। अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे फंक्शन की क्या है दो वैल्यूज़ है हमारे पास, तो दो बार वैल्यूज़ चेंज होंगी, जी वाई भी दो बार चेंज होगा। देखो पहला वाला मैं उठाता हूँ, क्या है वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन है पहले वाले के लिए, हाँ जब क्या है एक्स क्या है ऑड है, एक्स इज ऑड लेना है, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। तो इसका उल्टा निकालने के लिए एक्स को मैं जो वाई के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो यानी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया वाई प्लस वन आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन आया, यानी ये कौन सा फंक्शन आया जी वाई वाला आया। ठीक है इसको मैं क्या रख सकता हूँ, जी वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन लिखा मैंने, जी वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन लिखा। अब ये वाई कौन सा होगा, इवन होगा या ऑड होगा, ये चीज़ें देखने वाली। हमने क्या रखा, ऑड रखी है, एक्स की वैल्यू ऑड रखी है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें ऑड मिल रहा है ना, तो वाई क्या होगा हमेशा इवन होगा। देखो ये रहा हमारे पास ऑड, हमेशा ऑड मिल रहा है ना, तो टू प्लस वन करूँगा तभी जाके तो हमेशा मुझे ऑड रहेगा, यानी इवन वाले में मैं क्या करूँगा हमेशा प्लस वन करूँगा तब मुझे क्या मिलेगा ऑड मिलेगा, ऑड मिलेगा ना। तो यानी जी वाई क्या है हमारा वाई प्लस वन मिलेगा, और वाई क्या होगा हमेशा इवन होगा, इवन होगा तभी जाके क्या मिल रहा है मुझे ऑड मिल रहा है जो कि क्या है एक्स। तो यानी कि पहला फंक्शन क्या मिलेगा हमें, जी वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन वेयर वाई इज इवन, ठीक है ना, इस वाले के लिए आया। सेम चीज इस वाले के लिए, वाई इज इक्वल्स टू कितना है एक्स प्लस वन है, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वाई माइनस वन हो जाएगा, यानी जी वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया वाई माइनस वन आ गया, जी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन आया। अब ये वाई क्या होगा, फॉर एक्स इज इवन है, हाँ एक्स के लिए हमने इवन लिया, ये वाला फंक्शन लिया ना एक्स प्लस वन दिखाने के लिए, एक्स इज इवन, तो ये वाई क्या होगा, मतलब वाई कैसे एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है हमेशा इवन मिल रही है, वो कब मिलेगी जब यहाँ पे क्या होगा ऑड होगा ना। देखो थ्री माइनस वन कितना देगा हमेशा टू देगा, फाइव माइनस वन हमेशा कितना देगा फोर देगा, यानी यहाँ पे क्या आनी चाहिए ऑड आना चाहिए तब मुझे क्या मिलेगा इवन मिलेगा। ठीक है तो यानी कि जी वाई फंक्शन क्या होगा वाई माइनस वन वेयर वाई इज ऑड, तो जी वाई एक और जो दूसरा फंक्शन आ गया इसके करस्पॉन्डिंग वाई माइनस वन वेन वाई इज ऑड आ गया, फॉर जी वाई की वैल्यूज एफ एक्स मिल गया जी वाई मिल गया, हमें क्या दिखाना है गॉफ और फॉक की वैल्यूज दिखानी है। तो गॉफ एक्स कितना होगा, यानी गॉफ एक्स इज टू एक्स दिखाना है हमें, ठीक है आइडेंटिटी फंक्शन, तो जी में हमने क्या डाला एफ एक्स की वैल्यू डाली, ये है इसका मतलब। अब यहाँ पे देखो इसमें भी अगेन दो दो केसेस लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है यहाँ पे लिए ना यहाँ पे भी, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा हमने एक्स कौन सा डाला है। तो पहली कंडीशन के लिए मैं क्या लूँ गॉफ के लिए, हाँ सिर्फ गॉफ के लिए मैं लेता हूँ एक्स इज इवन वाली, ठीक है यानी जो भी एक्स डालूँगा मैं इवन का होगा, तो एफ एक्स में जब भी इवन है तो फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन है, तो यानी जी में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, जी फंक्शन में एक्स प्लस वन आ गया। ठीक है अब देखो एक्स क्या था इवन था, एक्स क्या था इवन था, अब इवन में प्लस वन कर देंगे क्या हो जाएगा और हो जाएगा, तो यानी जी फंक्शन में हम कुछ भी नंबर डालें यहाँ पे एक्स हमेशा इवन डालना है ना, तो ये पूरा नंबर क्या बनते रहेगा हमेशा ऑड का बनते रहेगा। मैंने जी टू डाला तो जी थ्री मिलेगा, जी फोर डाला तो जी फाइव मिलेगा, तो यानी इसके लिए मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी ये वाली लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी जिसमें क्या आएगा हमेशा ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है तो जी में जी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन वाला लेना है, तो जी टी क्या करोगे टी माइनस वन होगा, तो जी एक्स प्लस वन क्या होगा एक्स प्लस वन माइनस वन होगा, ये चीज़ समझ आई, तो एक्स प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल कितना आ गया एक्स आ गया, तो गॉफ व्हेन एक्स इज इवन हमें क्या दे रहा है एक्स ही दे रहा है। ठीक है अब सेम चीज़ हम गॉफ व्हेन एक्स इज ऑड के लिए करेंगे, व्हेन एक्स इज ऑड तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, अब एफ में क्या जा रहा है एक्स जो भी जा रहा है वो क्या होगा ऑड होगा, तो उसके लिए क्या है हमारे पास एक्स माइनस वन है, तो जी क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एक्स क्या है ऑड है, अब ऑड में से हम जब भी वन माइनस करेंगे क्या मिलेगा इवन मिलेगा नहीं मिलेगा,
ऑड ले लो, मैंने थ्री ले लिया, थ्री माइनस वन टू देगा, फाइव ले लिया, फाइव माइनस वन फोर, हमेशा क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। ये चीज़ समझ आ रही है ना? इवन मिलेगा। तो यहाँ पे जब भी जी की वैल्यू इवन आ रही तो इवन के लिए क्या लेंगे हम? वाई प्लस वन लेंगे, नहीं लेंगे? एक्स इक्वल्स टू, तो जी में क्या चले गया हमारा? जी फंक्शन में एक्स माइनस वन की जगह पे क्या आ जाएगा? वाई प्लस वन की जगह पे आएगा ना, एक्स माइनस वन की वैल्यू। तो हाँ, एक्स माइनस वन प्लस वन, ठीक है, ये चीज़ हो गई ना। माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कितना दे दिया इसने? एक्स दे दिया। वहाँ एक्स कैसे आया? वाई नहीं आएगा कहाँ पे? वो जो एक्स माइनस वन आया, एक्स माइनस वन की वैल्यू तो वाई में डाली है ना हमने। देखो जी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन फंक्शन लेना हमने इस बार। अगर जी में मैं टी डालूंगा तो टी प्लस वन होगा, जी में यू डालूंगा तो यू प्लस वन होगा। तो जी में मैंने क्या डाला है? एक्स माइनस वन डाला है, तो एक्स माइनस वन प्लस वन होगा ना, ठीक है। तो एक्स माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल, एक्स मिल गया। तो गॉफ जब एक्स इवन है तब भी एक्स दे रहा है, गॉफ जब एक्स ऑड है तब भी एक्स दे रहा है, ठीक है। गॉफ का तो क्लियर हो गया। अब हमें किसका देखना है? सेकेंड केस किसका देखना है? फॉक का देखना है। अब फॉक के लिए हम क्या लेते हैं? हमेशा वाई के लिए चेक कर जाते हैं, यानी कि फॉक वाई क्या दे दे मुझे? वाई दे दे। तो एफ ऑफ जी वाई होगा, यानी एफ फंक्शन में मुझे क्या डालना है? जी वाई डालना है। और वाई को यहाँ पर फिर अगेन डिफाइन करना पड़ेगा, वाई क्या होना चाहिए? इवन या ऑड। तो सबसे पहले मैं इवन के लिए लेता हूँ। वाई क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अब जी फंक्शन में वाई जा रहा है ना, इवन जा रहा है, तो कौन सा फंक्शन मिलेगा इवन के लिए? क्या वाई प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ वाई प्लस वन हो गया। अब वाई प्लस वन हुआ, वाई क्या था? इवन था। इवन में प्लस वन करेंगे क्या मिलता है? ऑड मिलता है। तो एफ फंक्शन में क्या जानी चाहिए? ऑड की वैल्यूज जाएंगी हमेशा। अब जब ऑड की वैल्यू डालेंगे तो उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वन। तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना है? एक्स माइनस वन वाला फंक्शन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? एफ में टी डालूंगा टी माइनस वन, यू डालूंगा यू माइनस वन, वाई प्लस वन डालूंगा वाई प्लस वन माइनस वन। तो ये कितना हो गया? वाई प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल, कितना मिल गया? वाई मिल गया। तो फॉग वाई क्या दे रहा है? वाई दे रहा है। जब एक्स क्या है? वाई क्या है? इवन है, वाई है। अब सेकेंड केस वाई इज ऑड के ले लेंगे, ठीक है। तो फॉग कितना है? एफ ऑफ जी वाई होगा अगेन, ठीक है, जी वाई। इस बार वाई क्या है? ऑड है। तो जी वाई जब भी ऑड में जा रहा है तब क्या मिल रहा है हमें? वाई माइनस वन फंक्शन लेना है। यानी जी वाई क्या होगा? ऑड के लिए एफ ऑफ वाई माइनस वन। अब y ऑड है, ऑड में से 1 माइनस करेंगे इवन मिलेगा। तो इवन के लिए कौन सा देखना पड़ेगा हमें? x प्लस वन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन फंक्शन है, f में हम क्या डालेंगे? y माइनस वन डालेंगे। तो क्या कितना मिलेगा? y माइनस वन प्लस वन। तो ये कितना हो गया? y माइनस वन प्लस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, y। आगे सारी चीज़ें, गॉफ के लिए x दिखा रहा है, फॉक के लिए भी y दिखा रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यानी कि ये जो जी वाई फंक्शन है ये क्या है? इन्वर्स है एफ एक्स का। तो हमने क्या कर दिया? इन्वर्स भी निकाल दिया एफ एक्स का। तो लास्ट में क्या लिखोगे? दस जी वाई इज इक्वल्स टू, इतना ये जो चीज़ है ये क्या है? इन्वर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। लास्ट में ये चीज़ पूरी क्लियर हुई, ठीक है। फंक्शन की जब भी दो डेफिनेशन दी हुई हमारे पास, हमेशा क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री है, इजी सा क्वेश्चन है। एक फंक्शन क्या है? सॉल्यूशन थ्री, फंक्शन है जो आर से आर में जा रहा है, रियल टू रियल जा रहा है, ठीक है। इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू, और डिफाइन कर दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू जेड। ये हमें फंक्शन दे दिया एक, ठीक है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। इसको हमें क्या दिखाना है? फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया हुआ था। क्या करना है? एफ फंक्शन में हमें एफ एक्स ही रख देना, ठीक है। एफ एक्स ये है, एफ टी की एक्स की जगह पे टी रखूँगा टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू हो जाएगा, एफ यू रखूँगा यू स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा, एफ एक्स रखूँगा जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है, एफ एक्स रखूँगा तो एफ एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एफ एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? एफ एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एफ एक्स प्लस टू, इतना हो गया। अब सिंपल सी क्या करनी है? एफ एक्स की जो वैल्यूज है वो रख देनी है। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना है हमारा? एक्स स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू हो गया। अब जस्ट इस वाले में इसको कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला होता है एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस सबसे होगा ठीक है, इसको नोट कर लेना ये फॉर्मूला। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है ठीक है, इसे नोट कर लेना। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर का फोर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू टू फोर थ्री ट्वेल्व एक्स प्लस टू सी ए टू टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री नाइन एक्स प्लस सिक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस माइनस का सिक्स ठीक है, इसको सॉल्व कर देना आंसर मिल जाएगा हमें। तो ये तो था इजी सा क्वेश्चन, अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शो दैट द फंक्शन एफ आर से कितना जा रहा है। चलो इसको लिख लेते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें जो जा रहा है आर से एक्स में जा रहा है, एक्स में जा रहा है सच दैट, और उस एक्स को डिफाइन किया हुआ है हमारे साथ ठीक है। एक्स पहले तो बिलोंग कर रहा है आर को, सच दैट एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस वन से तो बड़ी है और वन से क्या है छोटी है, एक ऐसा फंक्शन जा रहा है ठीक है। आर क्या है रियल नंबर, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू, और वो एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है हमारे साथ एक्स अपॉन वन प्लस मॉड का एक्स, मॉड का एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर इज वन वन एंड ओ टू, और हमें क्या दिखाना है ये वन वन होगा और ऑन टू भी होगा ठीक है। अगर ये एक्स की वैल्यू मैं नंबर लाइन में दिखाऊंगी कुछ ऐसी है, हाँ माइनस वन और ये वन, तो ये एक्सक्लूडेड पार्ट है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है ना इसमें, तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ के बीच में इतनी है ठीक है, यानी जो इमेज बनेगी वो वहाँ पर बनेगी ठीक हो गया। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास एक्स अपॉन वन प्लस मॉड का एक्स, ये फंक्शन ध्यान से देखो मॉड लगा हुआ है ना, अब मॉड जब भी लगता है उसके दो केसेस बनते थे, जब मॉड एक्स को डिफाइन करते हैं हम लोग एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है, इसके हमेशा दो केसेस बनते हैं क्या, पहला तो हमें एक्स ही मिलेगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है, जब एक्स बड़ा होता है या फिर ज़ीरो के बराबर होता है, एक माइनस एक्स मिलता है जब एक्स लेस देन ज़ीरो होता है ठीक है, यानी कि नेगेटिव होता है तो हमें नेगेटिव वैल्यू बाहर आती है, फिर वो बाहर आके माइनस होता है उससे निकल के पॉजिटिव हो जाती है कैंसिल होकर ठीक है। तो हमें क्या दिखता है मॉड एक्स की वैल्यू क्या देता है दो बार देता है, यानी फंक्शन की वैल्यू दो बार चेंज हो रही है डेफिनेशन फंक्शन की मॉड के केस में, तो यहाँ पर भी चेंज नहीं होगी क्या, मॉड के लिए दो फंक्शन की वैल्यू बन सकती है, बनेंगी कैसे? देखो कैसे बनेंगी, मैं करता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहला तो मेरे पास क्या रहेगा अगर मैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो लेता हूँ तो मुझे एक्स ही मिलेगा ना इसकी जगह पे, तो ये होगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, पहली ये बनेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका यूज़ ना मैंने इसके लिए किया है सिर्फ यहाँ के लिए, एक और कंडीशन देता हूँ एक्स अपॉन वन प्लस माइनस का एक्स व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो, ये वाली कंडीशन का यूज़ किया है इसमें, मॉड की दो बार वैल्यू चेंज हो रही है तो फंक्शन भी अपने आप क्या हो जाएगा दो बार टूट जाएगा ठीक है। तो क्या हो गया पूरा जो फंक्शन ये था अब ये बन चुका है हमारे ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है वन वन और ऑन टू दिखाना है। अब जब भी फंक्शन की दो वैल्यूज होती है तो इस बात का हमेशा ध्यान जाता है कि क्या होगी केसेस बनेंगे, अब वो केसेस क्या बनेंगे वो देखने वाली बात है इसमें क्या बनेगा, तो हमें क्या दिखाना है पहले वन वन दिखाना है ठीक है फॉर वन वन। पहला मैं अगर लूँ पहला केस क्या बन सकता है हमारे लिए इसमें, देखो एक तो हमें x का लेना लेस देन ज़ीरो लेना है यानी नेगेटिव के लिए, नेगेटिव की बात होगी एक बार, और एक बार क्या करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी एक बार किसके लिए बात होगी पॉजिटिव के लिए बात करें, तो हो ना हो मुझे जो भी लेट x1 और x2 करूँगा मैं वो क्या होंगे या तो पॉजिटिव होंगे दोनों या तो नेगेटिव होंगे दोनों, एक बार मैं क्या करूँगा पॉजिटिव पॉजिटिव लूँगा एक केस, या तो मैं नेगेटिव नेगेटिव लूँगा एक बार,
या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव भी लेते हैं, बट वो क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या बन गए, तीन केसेस बन गए। अभी भी समझ नहीं आया तो अभी क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू किसको करेंगे, आर को, रियल नंबर को, वेयर बोथ, मैं क्या लेता हूँ पहले पॉजिटिव लूँगा, पॉजिटिव। देखो अगर मैं ऐसे ही रखता, बोथ पॉजिटिव नहीं लेता, सिर्फ इतना सा लिखता, तो मैं एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू नहीं रख पाता ना, किस में रखता, क्योंकि मुझे एक्स की पता ही नहीं है। ये तो एक्स के लेस देन के लिए ये फंक्शन दे रहा, और एक्स ग्रेटर देन के लिए, जीरो के लिए क्या दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना कि दोनों पॉजिटिव लिए मैंने एक्स वन एक्स टू, तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन, क्योंकि ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है, जीरो है। तो इसके बाद क्या किया जाता था, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू रखते थे। अगर ये मुझे क्या दे दे, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू दे दे, यानी क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स वन रखूँगा तो ये कितना होगा, एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू रखूँगा तो एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स वन वन प्लस एक्स टू, ये इधर गया इक्वल्स टू एक्स टू वन प्लस एक्स वन, ठीक है। तो इसको एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू, इससे ये कैंसिल, इम्प्लाइज दैट वॉट एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। तो इसके लिए क्या होगा, ये वन वन दिखा रहा है, ठीक है। अब सेकेंड केस के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, बोथ क्या ले लिए मैंने, अब क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। बोथ के लिए मैंने डिफाइन कर दिया क्या है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको समझ में आनी है चीज़, मिटा दो। बोथ क्या दिखाने है, अब मुझे नेगेटिव दिखाना है। नेगेटिव के लिए यानी ये वाला फंक्शन लेंगे, अब पॉजिटिव के लिए ये लिया था तो नेगेटिव के लिए ये लेंगे, तो यानी कि क्या रखना पड़ेगा मुझे, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, पहले तो ये चीज़ फंक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू रखूँगा मैं, इसमें रखनी है तो ये कितनी होगी, एक्स वन वन माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू, यही होगी। सॉल्व करते हैं, एक्स वन वन माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स टू वन माइनस एक्स वन, ये हो गया एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू, ये अगेन कैंसिल हो गया, और इम्प्लाइज दैट वॉट एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, यानी कि जब हम नेगेटिव ले रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, वन वन आएगा। अब तीसरा केस बचा हमारे पास, वो है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव का, तीसरे केस के लिए, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा, अब तीसरा, लेट एक्स वन बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड एक्स टू बी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। एक्स वन पॉजिटिव एक्स टू भी नेगेटिव, सॉरी एक्स वन पॉजिटिव और एक्स टू नेगेटिव, तो मैं क्या रखूँगा, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, एक्स वन क्या है अभी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए यानी कौन सा वाला फंक्शन मिलेगा मुझे, ये वाला, तो कितना हो गया एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन इज इक्वल्स टू, एक्स टू के लिए क्या है, नेगेटिव है तो ये वाला, तो ये हो गया एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू हो गया। अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ माइनस एक्स वन एक्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू हो गया। अब ये क्या कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, तो एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू, ये इधर पॉजिटिव में, ये उधर जाएगा, वो भी पॉजिटिव, तो कितना आ गया, टू एक्स वन एक्स टू आ गया। इसको हम ये कंडीशन रूल्ड आउट करेंगे, तब करेंगे अगर ये जो कंडीशन बता रहा है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तभी रूल्ड आउट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर रूल्ड आउट कर दी, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, और हम कह देंगे एफ क्या है, वन वन है। अब रूल्ड आउट करने के लिए खुद सोचो, एक मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर उठा देता हूँ मैं, मान लो सेवन उठाया मैंने, उठाया। अब माइनस करना है किससे, कोई भी नेगेटिव नंबर से, कोई नेगेटिव नंबर से मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो नेगेटिव नंबर में कोई माइनस वन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे, सेवन प्लस वन इज इक्वल्स टू आठ देगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही दे सकते हैं, कोई और नंबर ले लो, इसी तरीके से सॉल्व होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्या कभी मुझे
पॉजिटिव में से नेगेटिव मार्क माइनस करके ऐसा कुछ नंबर मिल सकता है? यानी कि इसको इस तरीके से सॉल्व ना करके अगर मैं ऐसा कर देता ना, 7 माइनस ऑफ -1 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये कितना आता? -8, सॉरी 7 14, -14। तो ऐसा कभी मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है? इतना मिल रहा है। इसी तरीके से सॉल्व होता है, कहने का मतलब ये है। तो मुझे इसने क्या दे दिया? ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये क्या हो जाएगा? रूल्ड आउट हो जाएगा ये वाली चीज़, क्या जिसमें हमने पॉजिटिव लिया और नेगेटिव लिया। अब अगर ये रूल्ड आउट हो गया तो यानी ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? 1 1 और 1 1 हुआ है सिर्फ, ठीक है। हेंस यहाँ पे लिख देंगे fx इज 1 1, ठीक है, 1 1 हो गया। अब इस बोर्ड में स्पेस तो बचा नहीं, इसे नोट करो, इसके बाद हम ऑन टू चेक करेंगे, ठीक है, नोट करो। देखो इसी को हमने ऑन टू भी दिखाना है, ठीक है, ये यही जो फंक्शन था हमारे पास। अब ऑन टू होने के लिए क्या होता है? हमें पता है कि इधर जितने भी जो भी रेंज आ रही है उसकी कोई ना कोई क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। अब ऑन टू करने के लिए जैसा मैंने बताया था, देख लेना कि एक एग्जांपल लेके खुद भी देख लेना रफ में कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, ठीक है। इधर देखो पूरा क्या है? रियल नंबर का सेट है इधर, यानी कि डोमेन में पूरा रियल नंबर। और इधर क्या है? एक्स है जो कि माइनस वन से और वन के बीच में है, ठीक है, माइनस वन से लेकर वन के बीच में, ये दोनों एक्सक्लूडेड हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे डेसिमल में हो कैसे भी हो, वो सारे क्या होंगे? इसमें आएंगे, रेंज में आएंगे। अब इन सब की कोई ना कोई क्या होनी चाहिए कह रहा है? प्री इमेज होनी चाहिए कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पहली स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? वही जो लिखते आ रहे हैं ऑन टू के लिए, फॉर एवरी y belongs to x such that x is greater than minus 1 and less than कितना 1 in codomain, codomain में है ना, in codomain should have pre-image in domain R, जो कि डोमेन क्या है हमारी? R है। यानी कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं y को डिवाइड से डिनोट किया, बिलोंग्स टू इस सेट को कर रहे हैं कोडोमेन में, उनकी क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई यहाँ पे प्री इमेज मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। अब शुरू में क्या था फंक्शन? क्या है? दो डेफिनेशन टूट रही है फंक्शन की, तो इसमें भी क्या होंगे? केसेस बनेंगे, ठीक है। अब केसेस क्या बनेंगे? पहला वाला मैं देखता हूँ, हमारे पास क्या है? फंक्शन y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स है, ठीक है। अब इसे क्या करना पड़ेगा? मुझे x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा, x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा। उससे क्या होगा? अगर मैं y फंक्शन में यानी y वाली वैल्यूज डालते रहूँगा, मुझे करस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगी? x की वैल्यूज मिलेंगी। अब x लूँगा क्या? x अपॉन 1 प्लस एक्स किसका फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है, यानी मैंने क्या लिया? x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 के लिए लिया, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू x हुआ, x उधर जाएगा, x माइनस वाई एक्स, x कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई। ये मेरे पास वैल्यू है x की y के टर्म्स में। ये इसलिए निकाली क्योंकि इसमें देखो y की मैं जो भी वैल्यूज डालते रहूँगा, यानी माइनस वन से लेकर वन के बीच में जो भी वैल्यूज डालूंगा y की, मुझे करस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगी? x की वैल्यूज मिलते रहनी चाहिए, ठीक है। अब खुद सोचो y क्या है वहाँ पे? रियल नंबर्स का सेट है। y में क्या है? भले ही क्या है माइनस वन से वन के बीच में, बट है तो रियल नंबर का सेट। तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? सारे रियल नंबर्स डालूंगा। तो रियल नंबर को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा रियल नंबर मिलेंगे, मिलते रहेंगे नहीं, हर वाई के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पूरा रियल नंबर का सेट है, ठीक है। यहाँ पे कन्फाइन नहीं किया हमारे पास। तो यानी कि इस केस में जब मैंने क्या लिया? एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिया, वाई के लिए मुझे क्या मिलते रहेंगे? हमेशा प्री इमेजेस मिलते रहेंगे, ठीक है।
तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वन माइनस वन, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद स्टेटमेंट लिख देंगे, दस वी शुड गेट प्री इमेजेस फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ये वाली स्टेटमेंट, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन कितना होगा माइनस वन और लेस देन वन। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। अब इसके बाद दूसरा केस क्या बनेगा, एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिया तो एक एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो के लिए भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या फंक्शन दिया हमारे पास, वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स मिला। ठीक है, ये वाला, इसमें भी अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स एक्स वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई, एक्स कितना मिल गया हमें वन अपॉन वन प्लस वाई। ठीक है, इस केस में भी क्या है, वाई की वैल्यूज़ में डालते रहूँगा और मुझे करस्पॉन्डिंग एक्स क्या मिलते रहेंगे, रियल नंबर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, सो इसमें भी अगेन सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, दस वी शुड गेट प्री इमेज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू इतना। ठीक है, बिकॉज भी मेंशन कर देना, बिकॉज क्या है, एक्स बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर, क्योंकि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी रियल नंबर है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलते रहेगा, रियल नंबर मिलते रहेगा। दस एफ इज ऑन टू, हो गया वन वन और ऑन टू। ठीक है, समझ आए, नोट कर लो।